हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक तो पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 3S, जिसका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो PTB Class 11 डालकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने मेरा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर आ रहा है, वहाँ से जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट पर जाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी ऊपर आई बटन पर आ रहा है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस टेन फोर थीटा प्लस टेन सेवन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू टेन फोर थीटा इंटू टेन सेवन थीटा। टेन थीटा प्लस टेन फोर थीटा बराबर टेन सेवन थीटा उधर भेज देंगे तो जाएगा माइनस का टेन सेवन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू टेन फोर थीटा इंटू टेन सेवन थीटा। टेन थीटा प्लस टेन फोर थीटा माइनस टेन सेवन थीटा कॉमन ले लेंगे, वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन फोर थीटा, ये गुणे की चीज़ बटे में आ जाएगी। तो टेन थीटा प्लस टेन फोर थीटा बटे में ले आएंगे, वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन फोर थीटा बराबर माइनस टेन सेवन थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा प्लस फोर थीटा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, और टेन माइनस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं टेन माइनस थीटा। क्लियर? अब देखिए दोनों तरफ टेन बन गया, अब हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस फोर थीटा टेन फाइव थीटा बराबर टेन माइनस सेवन थीटा। थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान तो फाइव थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस सेवन थीटा। फाइव थीटा बराबर एन पाई माइनस सेवन थीटा इधर ले आएंगे, बारह थीटा बराबर एन पाई सात इधर आए सात पाँच बारह, थीटा बराबर एन पाई बटे बारह। क्लियर? तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा का व्यापक मान। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन टफ मिलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? अल्फा और बीटा समीकरण, अल्फा और बीटा समीकरण ए कॉस टू थीटा प्लस बी साइन टू थीटा बराबर सी को संतुष्ट करते हों तो सिद्ध करना है। तो ये संतुष्ट करते हों तो हमें सिद्ध करना है दो पार्ट। पहला पार्ट क्या सिद्ध करना है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर
स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा पार्ट क्या है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर ए प्लस सी बटे टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब समझें क्या लिखा हुआ है, समीकरण क्या है हमारे पास। अब लिखेंगे चूंकि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा टू थीटा है सॉरी टू थीटा बराबर सी है, क्योंकि हमें कॉस के रूप में सिद्ध करना है तो हम यहाँ से कॉस उधर भेजेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारा समीकरण कॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या लिखेंगे, बी साइन टू थीटा सी माइनस ए कॉस टू थीटा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा सी माइनस ए कॉस टू थीटा, ये लगा दिया होल स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा। ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस टू ए सी कॉस टू थीटा। अब इस साइन, क्योंकि पूरा क्वेश्चन कॉस में है और कॉस में हमको प्रूव करना है, तो इस साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा को ले सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस टू ए सी कॉस टू थीटा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस टू ए सी कॉस टू थीटा। अब देखिए बारी आ गई सब कुछ इधर लाने के, तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस में, माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा, ये माइनस का इधर आएगा प्लस टू ए सी कॉस टू थीटा, बी स्क्वायर प्लस का ही है, सी स्क्वायर इधर आएगा माइनस में सी स्क्वायर बराबर जीरो। अब यहाँ से हम माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस टू ए सी कॉस टू थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर जीरो। या चिन्ह बदल देंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस टू ए सी कॉस टू थीटा, सी स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर जीरो। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये हमारा एक द्विघात समीकरण तैयार हो गया। अगर हम यहाँ पर चलें और अपने समीकरणों को देखें तो हम कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा ए कॉस टू थीटा बी कॉस टू थीटा बराबर सी का अगर
हल कर रहा है यानी मूल है, तो हम कह सकते हैं कि इस द्विघात का जो मूल होगा के मूल, तो पहला मूल होगा कॉस टू, यहाँ पर रखेंगे अल्फा कॉमा कॉस टू बीटा, समझ गए। अब लिखेंगे मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल यानी कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा। हाई स्कूल में आपने मूलों का योगफल का फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस बी अपॉन ए माइनस, और ये होता है बी, बी का मान कितना है माइनस टू ए सी, तो माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए, ए का मान कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें जो प्रूव करना है वो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए, यहाँ टू अल्फ़ा है तो इसको कॉस टू टीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या बन जाता है टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस वन बराबर टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा टू कॉस स्क्वायर बीटा बराबर टू ए सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो माइनस वन माइनस वन माइनस टू है उधर जाएगा प्लस का टू, दो से भाग कर देंगे, दो से भाग तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर ए सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन। इसकी इधर गुणा करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर, और बटे में हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास इसका पहला प्रूफ जो हमको लाना था। क्लियर। अब दूसरी चीज़ जो प्रूफ करनी है वो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्रूव करनी है, तो वो कैसे प्रूव करेंगे, मूलों का गुणनफल पर चलेंगे। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो लिखेंगे चूंकि मूलों का गुणनफल कॉस टू अल्फ़ा इंटू कॉस टू बीटा, मूलों का गुणनफल बराबर c अपॉन a होता है, c यानी अचर पद, यहाँ पर c की वैल्यू है c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी अपॉन ए, ए का मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमें अल्फ़ा चाहिए तो टू अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा देंगे टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वन टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस वन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी गुणा कर लेंगे तो दो दूनी चार कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस वन बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस टू कॉमन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस वन बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो फोर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसका मान कितना है ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
फोर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो प्लस वन है ये उधर जाएगा माइनस वन में, और ये जो माइनस टू है ये जाएगा प्लस टू में। ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फोर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यहाँ पहुँच जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस टू ए स्क्वायर प्लस टू ए सी प्लस टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर। कट गया। अब देखिए फोर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पर स्क्वायर बनाएंगे, तो देखिए इसको लिख सकते हैं टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा का स्क्वायर, और इसको लिखते हैं ए प्लस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर ए प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ, नीचे ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा का मान आ जाएगा ए प्लस सी बटे ये टू यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया इसका दूसरा पार्ट। उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं प्रश्न नंबर सात पर, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर सात में देखिए क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा समीकरण, अल्फा और बीटा समीकरण ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी के दो असमान मूल हों, सी के दो मूल लिख सकते हैं या असमान मूल कह रहा तो असमान लिख दीजिए, असमान मूल हैं। तो सिद्ध करना है, कई पार्ट हैं। पहला पार्ट कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे दो बराबर सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा पार्ट कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा पार्ट साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर टू ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और चौथा पार्ट है टेन अल्फा बटे दो प्लस टेन बीटा बटे दो बराबर टू बी बटे ए प्लस सी। अब देखिए शुरू करते हैं। ये जो समीकरण दिया गया है हमको
क्योंकि ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा बराबर सी है। तो इस समीकरण से द्विघात समीकरण बनाएंगे दो रूप में, एक कॉस के रूप में, एक साइन के रूप में। दोनों को बनाने का तरीका क्या है, जब कॉस के रूप में बनाना होगा तो कॉस को उधर भेज देते हैं, साइन के रूप में बनाना होगा तो साइन को उधर भेज देंगे, ठीक है। और जब वो मान निकल आएंगे तब हम लोग ये प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कोई भी काम प्रूफ का नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें इस समीकरण को साइन के और कॉस के रूप में बदलना है, ठीक है। तो लिखेंगे पहले कॉस का ही बनाते हैं, बी साइन थीटा बराबर सी माइनस ए कॉस थीटा, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो बी साइन थीटा का स्क्वायर बराबर सी माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए सी कॉस थीटा। ठीक है, इस साइन को हमें कॉस में बदलना है तो इसको हम लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए सी कॉस थीटा। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए सी कॉस थीटा माइनस सी स्क्वायर बराबर जीरो। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, टू ए सी कॉस थीटा, ठीक है। और ये हो गया, ये दोनों पार्ट हो गया, ये प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर बराबर जीरो। या हम चिन्ह बदल देंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए सी कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो। अब हम क्या करेंगे, जब हमें मालूम है कि इस समीकरण के मूल, सॉरी ये अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तो इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल होंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो लिखेंगे के मूल कॉस अल्फा हैं, बोला था ना यहाँ रख देते, कॉस बीटा है, क्लियर है। और अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा इसके मूल हैं तो मूलों का योगफल कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो मूलों के योगफल से कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस सूत्र का बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस टू ए सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही मूलों का गुणनफल कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा सी अपॉन है, सी का मान कितना है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल, जिसमें हमने कॉस के ये दो रूप निकाल लिए हैं।
ठीक है। अब सेम टू सेम इसी तरीके से हम इसको साइन में भी कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने कॉस में पूरा क्वेश्चन हल किया है, ऐसे साइन में हल करके इसका मान निकालेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि समीकरण क्या था हमारे पास सबसे पहले, ए कॉस थीटा, देख लेते हैं ऊपर से, हाँ ये ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी। लेकिन जब कॉस में बनाना था तो उधर हमने कॉस को भेजा था, इस बार साइन में अब हमको बनाना है। जैसे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बनाया, अब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बनाएंगे, तो साइन को उधर भेजेंगे। तो क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा बराबर सी माइनस बी साइन थीटा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, क्योंकि हमें साइन में कन्वर्ट करना है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू बी सी साइन थीटा। सब कुछ उठा के इधर ले आ रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, तो इधर आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ अंदर गुणा हो जाएगी, तो माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का इधर आएगा प्लस में टू बी सी साइन थीटा, ठीक है। और ये ए स्क्वायर की यहाँ भी गुणा हो जाएगी, तो बनेगा प्लस का ए स्क्वायर, ये सी स्क्वायर इधर आएगा, तो माइनस का सी स्क्वायर बराबर जीरो। थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं, बार बार बता रहे हैं आपको, माइनस कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, प्लस टू बी सी साइन थीटा हो गया हमारे पास, प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर जीरो। चिन्ह बदल कर लिखेंगे, या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू बी सी साइन थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो। अब जैसे ही हमने समीकरण को साइन में कन्वर्ट किया, इसके मूल हमको पता चल जाएंगे कि मूल क्या बनेंगे, साइन अल्फा और साइन बीटा, तो मूलों का योगफल यानी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन ए, बी का मान कितना है टू बी सी, माइनस का है तो माइनस, प्लस ए का मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखा रहे, वो तो एक ही चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिख दो, चाहे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दो। अब देखिए मूलों का गुणनफल क्या बनेगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, सी अपॉन है, सी का मान है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हम लोगों ने साइन के रूप में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लिया है, ठीक है। इन दोनों को रखते हैं पास में, कॉपी कर लेते हैं। ये हम लोगों ने साइन और कॉस के जो मूल निकाले थे उनको साथ में रख लिया है। अब इन्हीं से हम अपने पॉइंटों को सिद्ध करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट उठाते हैं, क्या प्रूफ करना है,
प्रूव करना है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू बराबर सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो हम तब तक नहीं प्रूव कर पाएंगे जब तक हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान नहीं मालूम होगा। तो पहले हम कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाकर इसको हल कर लेते हैं। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा का मान है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का मान है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमें चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का। तो कॉस आधे थीटा का फॉर्मूला आपने याद किया है, फर्स्ट ईयर में ही मैंने आपको आगे त्रिकोणमिति में सिखा रखा है कि कॉस आधे का फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस पूरा थीटा के पूरे बटे दो। ये अंडर रूट होता है यहाँ पर, तो अंडर रूट हटकर यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे दो का फॉर्मूला बन जाएगा वन प्लस कॉस पूरा थीटा बटे दो। इसकी वैल्यू ये निकाली हम लोगों ने, ये उठाकर यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पूरे बटे दो। इसकी इधर गुणा हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस है यहाँ पर प्लस टू सी स्क्वायर बटे टू ये वाला, और इसकी टांग खींच लेंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये गया इससे ये गया तो बन गया टू सी स्क्वायर बटे टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टू से टू कट गया, आंसर आ गया सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे दो का मान। उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट उठाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। दूसरा पार्ट जो हमें सिद्ध करना है, दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमें प्रूफ करना है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, लिखेंगे चूंकि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना था तो ये हमारा भी प्रूफ हो गया। तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरे पार्ट में हमको प्रूफ करना है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या बन जाएगा, प्रूफ हमें करना टू ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे चूंकि साइन अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हम वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं वो सुन लीजिए। साइन अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, वन माइनस कॉस अल्फा बीटा का मान कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो पावर फोर बन जाएगी, बटे ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसकी इधर गुणा करेंगे इसमें घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर माइनस ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर, एक सेकेंड जब इसकी गुणा करेंगे तो ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो इससे गुणा हो गई, ये माइनस जाएगा अंदर, तो माइनस ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, टू ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ख़त्म हो गया। तो ये आ गया हमारे पास तीसरा आंसर। चौथा आंसर देखिए कैसे करेंगे। अब जो लास्ट पार्ट है उसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रूफ क्या करना है, टेन अल्फा बटे दो प्लस टेन बीटा बटे दो बराबर टू बी बटे ए प्लस सी। अब इस पार्ट को हल करने के लिए हम अपने समीकरण पर चलेंगे जो सबसे पहले दिया गया था हमको प्रश्न में, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी। हम इस प्रश्न को टेन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो ए कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे टेन के पदों में, तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे दो बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे दो बी, और साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे टेन के पदों में, तो टू टेन थीटा बटे दो बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे दो बराबर सी। तो ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा दिया ज़बरदस्ती, इसलिए थीटा बटे दो है, ये कॉस का फॉर्मूला लगा दिया,
अब यहाँ पर इसको हम बटे में भेज सकते हैं, बटे की चीज़ गुड़े में कॉमन लेकर, तो बन जाएगा a माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा बटे दो प्लस टू बी टेन थीटा बटे दो सी प्लस सी टेन स्क्वायर थीटा बटे दो, तो बन जाएगा माइनस का ए टेन स्क्वायर थीटा बटे दो माइनस का सी टेन स्क्वायर थीटा बटे दो प्लस टू बी टेन थीटा बटे दो। ये तो इधर ही है, प्लस ए माइनस सी बराबर जीरो, माइनस ए प्लस सी टेन स्क्वायर थीटा बटे दो प्लस टू बी टेन थीटा बटे दो प्लस ए माइनस सी बराबर जीरो के मूल। अब यहाँ चिन्ह बदल सकते हो, तो ए प्लस सी टेन स्क्वायर थीटा बटे दो प्लस, तो जब चिन्ह बदलेंगे या चिन्ह बदल रहे हैं ना, तो माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस टू बी टेन थीटा बटे दो प्लस सी माइनस ए बराबर जीरो के मूल क्या बनेंगे, के मूल बनेंगे टेन अल्फा बटे दो और टेन बीटा बटे दो। बताया था आपको कैसे मूल बदला जाता है, चाहे यहाँ पर रख दीजिए चाहे यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल टेन अल्फा बटे दो प्लस टेन बीटा बटे दो बराबर, मूलों का योगफल होता है माइनस बी बटे, तो माइनस बी का मान है माइनस माइनस प्लस टू बी बटे, ए का मान है ए प्लस सी। यही हमको प्रूफ करना था। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। उम्मीद करते हैं कि मैंने जो आज आपको सिखाया है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी कठिन क्वेश्चन माने जाते हैं बच्चों के लिए, काफ़ी दिक्कत देते हैं बच्चों को, और अगर मेरा बताया हुआ आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ।